हेलो दोस्तों, मैं हूं कृष्णन। वेलकम बैक इन डिजिटल रिएक्शन ज़ोन। और दोस्तों कैसे दोस्तों, जैसा कि काफी टाइम बाद मैं आपके पास वीडियो लेके आया, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था। मैं आया हूं दुबई में। जी हां, दुबई में आया हूँ। और यहाँ बैठ के मैं आज रिएक्शन देने जा रहा हूँ। पहली वीडियो दुबई की मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और ये जो वीडियो है, ये नेपाल के क्रिकेट वाली जो वीडियो है, ये वायरल हो रही है कि नेपाल में फीमेल क्रिकेट, जो वुमेन क्रिकेट होता है, उसमें एक क्रिकेटर है, उन्होंने पुष्पराज के स्टाइल में सेलिब्रेट किया। उन्होंने विकेट लिया, उसके बाद पुष्पराज के स्टाइल में उन्होंने उस इवेंट को सेलिब्रेट किया है। पुष्पराज झुकेगा नहीं। तो चलिए देखते हैं क्या है वीडियो, क्या है पूरी कहानी इस वीडियो में। और वीडियो के एंड में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे नेपाल के बारे में, वुमेन क्रिकेट के बारे में और पुष्पराज के बारे में। तो ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। वीडियो अपलोड करूँ तब तक पहले वो आप तक पहुँचो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिए, या आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, जिससे मैं उसके ऊपर रिलेशन बनाऊँ और आप उनका शेयर करूँ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट वर्ल्ड से नेपाल के लिए एक वायरल वीडियो निकल कर आ रहा है, क्योंकि इन दिनों हम लोग ने इंटरनेशनल क्रिकेट में काफी ज्यादा पुष्पा स्टाइल देखी थी, लेकिन अब ये फीवर वुमेन क्रिकेट पर भी चढ़ गया है। अभी एक हाल ही के इंसिडेंट में वुमेन क्रिकेटर जो कि नेपाल से थी, उन्होंने पुष्पराज के स्टाइल में यानी पुष्पा स्टाइल में सेलिब्रेशन किया, जो कि उन्होंने फेयर ब्रेक इन्विटेशनल टूर्नामेंट में जो कि दुबई में हो रही थी उसमें किया। आपको बता दें, ये मैच हो रहा था मई 5 को, जो कि हो रहा था टोर्नेडो वुमेन्स और शफीर्स वुमेन के बीच में, जहां पर नेपाली सीता राणा मगर को सेलिब्रेशन करते देखा जा सकता है पुष्पा स्टाइल में, जो कि अपने पाम को अपने चिन पर रगड़ते हुए पुष्पराज स्टाइल में विकेट लेने के बाद सेलिब्रेट कर रही थी। और इस क्लिप को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC ने शेयर किया। और उसके बाद क्या था, ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो गया और नेपाली सीता राणा मगर को बहुत पॉपुलैरिटी भी मिली इससे, और उनको बहुत अप्रिशिएट किया गया उनके इस सेलिब्रेशन पर। आपको कैसा लगा उनका ये सेलिब्रेशन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्रिकेट फैंस और अल्लू अर्जुन के फैंस इसको काफी ज्यादा सर्कुलेट कर रहे हैं। लोगों के कमेंट्स भरे हुए हैं वीडियो पर नेपाली स्पिनर सीता राणा मगर को अप्रिशिएट करते हुए। तो यही थी एक वायरल अपडेट जो कि नेपाली क्रिकेट से निकल के आई थी। दोस्तों बहुत ही ज्यादा मजा आया। मैंने देखिए यहाँ पे इमेज में लगा रखा है उन्होंने, एक तरफ अल्लू अर्जुन जो कि पुष्पराज हैं, और दूसरी तरफ सीता राणा मगर जिन्होंने विकेट लिया। स्पिनर है ये, नेपाल की तरफ से स्पिनर बॉल गेंदबाजी करती है, उन्होंने विकेट लिया। उसके बाद पुष्पराज स्टाइल में इन्होंने उस विकेट को जब दिया, उसके बाद सेलिब्रेट किया पुष्पराज के स्टाइल में। अल्लू अर्जुन की मूवी आई थी पुष्पराज, उसमें अल्लू अर्जुन का ये स्टाइल था कि पुष्पराज में झुकेगा नहीं सारा। तो इसी स्टाइल में सीता राणा मगर ने जो विकेट लेके सेलिब्रेट किया, ये बहुत ज़्यादा वायरल हो गया, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। और यहाँ तक कि ICC ने इस वीडियो को पोस्ट किया, उनको बहुत ही ज़्यादा मुबारकबाद दी है। इस स्टाइल की वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई हैं, और ये अब देखिए कहाँ कहाँ रंग लाती हैं। भाई साहब मज़ा आ गया मुझे वीडियो देख के। इस तरह की सेलिब्रेशन करके लोग वायरल हो रहे हैं पुष्पराज के स्टाइल, जिसने भी पुष्पराज का स्टाइल किया वो सभी लोग वायरल पॉपुलर हो गए हैं। अब बारी है सीता राणा मगर की, तो चलिए देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, ICC को कहाँ तक ले जाता है, क्योंकि ICC तक ये वीडियो पहुँचना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात है ICC ने वीडियो पोस्ट किया। तो बाकी दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इसलिए, और कोई वीडियो हो तो मुझे लिंक दीजिए उसका, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे इस वीडियो को, उतना ज़्यादा ये और लोगों तक पहुँचेगी और भी ज़्यादा लोगों को पता चलेगा नेपाल क्रिकेट के बारे में, सीता राणा मगर के बारे में और इनके स्टाइल के बारे में। अल्लू अर्जुन पुष्पराज झुकेगा नहीं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और लास्ट में बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपना प्यार बरकरार रखते हो, मेरी सपोर्ट करते हैं, जिससे मैं देखते हैं और मिलते वीडियो और अगले शेयर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, सहित हम आपके साथ तब तक के लिए।